हे पार्थ, ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। हे पार्थ, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत होने के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हे पार्थ, सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। हे पार्थ, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। हे पार्थ, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। हे पार्थ, बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। हे पार्थ, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। हे पार्थ, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं।